साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो वो दिन आ ही गया जिसका संजय राउत को पिछले 14 दिनों से इंतजार था। 8 अगस्त से जेल में बंद संजय राउत को 22 अगस्त का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि इस दिन कोर्ट में उनके मामले की सुनवाई होनी थी और संजय राउत को पूरी उम्मीद थी कि कोर्ट उन्हें जेल से बरी कर देगी या फिर जमानत दे देगी। इसीलिए 22 अगस्त को सुबह से ही संजय राउत बेहद उत्साह में थे। वो जेल में अल सुबह ही कोर्ट जाने के लिए अपनी सेल में तैयार होकर बैठ गए, मगर जब वो कोर्ट पहुंचे और कोर्ट में उनके मामले की सुनवाई हुई तो संजय राउत को बड़ा झटका लगा, क्योंकि कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए राउत की न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए और बढ़ा दिया। अब राउत को 5 सितंबर तक जेल में ही रहना पड़ेगा। अब वकीलों ने अपनी तरफ से खूब दलीलें दी, मगर राउत मामले में पीएमएलए कोर्ट में वकीलों की एक नहीं चली। अब कोर्ट का फैसला आने के बाद जब मीडिया कर्मियों ने संजय राउत को घेरा और सवाल पूछने लगे तो राउत के मुंह से शब्द ही नहीं निकल पाए। तो आखिर क्या हुआ कोर्ट में और अब 14 दिन कैसे जेल में काटेंगे राउत, और मीडिया कर्मियों के सामने बड़बोले राउत की क्यों हो गई बोलती बंद, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का दूसरा व्लॉग आ गया है जिसमें नए लेवल का मजा है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर जरूर से जरूर चेकआउट करें। सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो संजय राउत को पूरा भरोसा था कि 22 अगस्त को उनको जेल से रिहाई मिल जाएगी। रिहाई न सही, राउत को जमानत की पूरी उम्मीद थी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि पात्रा चौल घोटाले में शिवसेना सांसद संजय राउत को कोर्ट की तरफ से एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। दरअसल विशेष पीएमएलए अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाकर 5 सितंबर तक कर दिया है। यहां आपको बता दें कि 1034 करोड़ रुपए के इस घोटाले के आरोपी राउत को ईडी ने 31 जुलाई को गिरफ्तार किया था। ईडी ने राउत के घर पर सुबह सुबह छापा मारा था और करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था। इसके बाद आधी रात को संजय राउत को ईडी ने गिरफ्तार भी कर लिया था। अदालत ने उन्हें 4 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद 8 अगस्त तक फिर से ईडी की रिमांड में दिया गया और फिर 22 अगस्त तक उन्हें न्यायिक हिरासत में ऑर्थर रोड जेल में भेज दिया गया। अब अदालत ने एक बार फिर से 5 सितंबर तक के लिए संजय राउत की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है, यानी कि संजय राउत को अब ऑर्थर रोड जेल में 5 सितंबर तक रहना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि कोर्ट में संजय राउत के वकील कुछ नहीं बोले। राउत के वकीलों ने राउत के स्वास्थ्य से लेकर राजनीतिक बदले से हुई कार्रवाई हर तरीके की दलील दी। यहाँ तक कि ये भी कहा कि संजय राउत का इस घोटाले से कोई कनेक्शन नहीं है, और तो और वकीलों ने तो ये तक कह दिया कि संजय राउत प्रवीण राउत को जानते भी नहीं है, उन्हें इस केस में बेवजह फंसाया गया है। वकीलों ने बार बार कोर्ट में कहा कि राउत की गिरफ्तारी सिर्फ एक राजनीतिक साजिश है जो कि राजनीतिक दलों के इशारों पर हुई है। वहीं ईडी की तरफ से पेश हुए वकील ने कोर्ट में सिर्फ इतना कहा कि संजय राउत के जेल से बाहर आने से सारा केस बिगड़ सकता है, हमारी इतने दिनों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि राउत अपने रुतबे के दम पर सारे सबूतों को नष्ट करवा सकते हैं। इसीलिए कोर्ट से हमारी गुजारिश है कि संजय राउत को अभी जेल में ही रहने दिया जाए। अब बात भी सही है, क्योंकि बीच जांच में संजय राउत का जेल से बाहर आना ईडी के केस को खराब कर सकता है। अब दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि संजय राउत को हम ना तो जमानत दे सकते हैं और ना ही रिहा कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा अगर राउत को सेहत से संबंधित कोई भी परेशानी है तो वो जेल में मौजूद मेडिकल टीम से पूरी हेल्प ले सकते हैं, मगर फिलहाल हमारा फैसला यही है कि राउत को अभी 5 सितंबर तक जेल में ही रहने दिया जाए। मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। अब कोर्ट का फैसला आने के बाद संजय राउत का सारा उत्साह चला गया, चेहरा फीका पड़ गया और आंखों से आंसू भी टपकने लगे। अब जैसे ही ऑर्थर रोड जेल का स्टाफ संजय राउत को लेकर कोर्ट से बाहर निकला तो वहां मौजूद मीडिया कर्मियों ने संजय राउत को घेर लिया और सवालों की बौछार कर दी। इस दौरान राउत के मुंह से सिर्फ
इतना निकला कि उन पर लगे तमाम आरोप निराधार हैं, बेबुनियाद हैं। राउत ने कहा कि पात्रा चौल घोटाले के नाम पर बनाया गया ये केस पूरी तरह से फर्जी है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। संजय राउत ने मीडिया कर्मियों से कहा कि प्रवीण राउत मेरे दो रिश्तेदारों को जानते हैं, मेरा उनसे सीधा कोई कनेक्शन नहीं है, मुझे जबरन इस केस में घसीटा गया है। राउत ने मीडिया कर्मियों के पूछे जाने पर कि क्या जेल में रहने के बाद उनके राजनीतिक जीवन में फर्क पड़ेगा, तो इस पर संजय राउत बोले कि मैं आने वाले समय में और भी मजबूती से लड़ता नजर आऊंगा। वहीं अपने स्वास्थ्य को लेकर राउत ने मीडिया कर्मियों के सामने कहा कि वो उतने स्वस्थ नहीं है, बीच बीच में तकलीफें बढ़ रही है, मगर वो हार नहीं मानने वाले। अब जो राउत हमेशा आक्रामक अंदाज में रहते थे, अपनी तेज तर्रार शैली से मीडिया से मुखातिब होते थे, वो संजय राउत मीडिया के सामने बिल्कुल लाचार और बेबस दिखे। कोर्ट के फैसले ने राउत को अंदर तक तोड़ दिया, मगर कोर्ट के फैसले के आगे किसी की नहीं चलती, इसीलिए फिलहाल संजय राउत को 5 सितंबर तक जेल में ही रहना पड़ेगा। और इस बार का गणेश उत्सव भी संजय राउत का ऑर्थर रोड जेल में ही मनेगा। राउत के भविष्य का फैसला अब 5 सितंबर 2022 को PMLA कोर्ट में होगा। तो राउत पर आए कोर्ट के इस फैसले पर और फैसले के बाद हुई राउत की हालत पर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का दूसरा व्लॉग आ गया है, जिसमें नए लेवल का मजा है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर जरूर से जरूर चेकआउट करें। सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो मुंबई की ऑर्थर रोड जेल बड़े बड़े गुनहगारों को रख चुकी है और रख भी रही है, और इस जेल की एक सबसे विशेष कोठरी है जिसमें उन लोगों को रखा जाता है जिन पर सबसे गंभीर आरोप होते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोगों को भी उस कोठरी में रखा जाता है जिन्हें लेकर जांच एजेंसी या फिर मुंबई पुलिस को ये शक होता है कि ये आरोपी अपनी पहुंच और रुतबे की वजह से जांच को भटका सकते हैं, सबूतों को मिटा सकते हैं। तो ऑर्थर रोड जेल की उसी सेल में संजय राउत को भी रखा गया है। जी हाँ, सबसे बड़ी अपडेट जेल से यही आ रही है कि संजय राउत को ऑर्थर रोड जेल की सेल नंबर 12 में रखा गया है। ऑर्थर रोड जेल में सेल नंबर 12 इस जेल की स्पेशल सेल है। मुंबई हमले के दोषी कसाब हो या फिर बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त, स्टार टीवी के सीईओ पीटर मुखर्जी के साथ साथ पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी विपुल अंबानी और दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेट लिमिटेड के आरोपी कपिल और धीरज को भी इसी सेल में रखा गया है। अब ये 12 नंबर की कोठरी एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि यहां अब संजय राउत को रखा गया है। जी हां, पात्रा चौल घोटाले के आरोपी संजय राउत को उसी सेल में रखा गया है जहां पर कसाब को रखा गया था, जहां पर संजय दत्त को रखा गया था और जहां पर पीटर मुखर्जी जैसे आरोपियों को भी रखा गया है। और पता है, सबसे बड़ी बात जो निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि संजय राउत के अलावा इसी 12 नंबर की कोठरी में एनसीपी नेता अनिल देशमुख और नवाब मलिक को भी रखा गया है। यानी कि नवाब मलिक, अनिल देशमुख और संजय राउत इस वक्त 12 नंबर की सेल में एक साथ बंद है। कभी महाराष्ट्र सरकार में अहम जगह रखने वाले तीनों बड़े नेता एक जेल की एक ही सेल में बंद है, और वो भी ऐसी सेल में जहां पर कसाब जैसे गुनहगारों को रखा गया था।